अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करते हैं जी सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जी कोफ्ते, कोफ्ता कड़ी बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने एक अदद प्याज ले लिया था, उसको जो है ना अभी पकाएंगे, ब्राउन करेंगे या थोड़ा। उसके बाद जो है ना कोफ्ते को उबाला हुआ, ये कोफ्ते हैं, इनको उबाल लिया। यहाँ से ये पैकेट मिलता है तो इसलिए इनको पहले उबाल लिया। ये प्याज जो है ना थोड़ा सा ब्राउन हो गया। इसके बाद जो है ना हम ग्राइंड किया हुआ मसाला है, टमाटर है, मिर्ची, अदरक, लहसुन, वो ग्राइंड किया वो डालेंगे। ये हम अब डालेंगे जी इसमें मिक्स मसाला, टमाटर वगैरह। तो इसके बाद जो है ना इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे, ये पिसा हुआ जीरा, धनिया, हल्दी और नमक है, लाल मिर्च नहीं हमने इसमें डाली। अभी हम जो इसको फ्राई करेंगे, जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो उसके बाद जो हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे जब तक ऊपर इसके घी नहीं आ जाता। ये हम मसाला हमारा अब रेडी है, ठीक है। हम इसमें जो है ना कोफ्ते डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें घी आ गया ऊपर, तो इसमें अब जो है ना हम कोफ्ते डालेंगे जो उबाइल किए हुए थे। थोड़ी देर के लिए हम इनको भी भूनेंगे हल्की आंच में। इसके बाद जो है ना 2 कप पानी डालेंगे। कड़ी कोफ्ता बना रहे हैं इसलिए पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, तो उसके बाद जो है ना ये रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए जो है ना इनको हम अभी पकाएंगे हल्की आंच पर। अगर आपको ये हमारा वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।